इंट्रो बना होगा ठीक है जिससे मतलब समझ रहे हो ना उसको हम सेटअप किया करने तो क्या अभी हम देखते हैं इसका क्या सीन है क्या नहीं और ये क्या कह रहा है जो भी है ये यूजिन व्यूजिन करके कर तो ये देते हैं नो ट्रस्ट मी यू वांट टू रैंक क्राइम फॉर दिस ये मेरे को लगता है इसमें जो भी चुचु चार्ले जो भी है वो यही होगा आई थिंक सो ठीक है oh my गॉड्स ओके okay. तो ये वही बुड्ढा है जिसने हमें कॉल किया For some time now, and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. simple errands, you know. <laughs> Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Oh, stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Hmm. Okay, so call, Kia, ठीक है और इस बुड्ढे ने हमें कॉल किया और बोल रहा है कि मेरे को तेरी हेल्प चाहिए हम एक आइलैंड पे जा रहे हैं जहाँ पे चुचु जो भी है वो घूम रहा है वहां पे और वहां पे पे और इसके इसके फ्रेंड्स हैं इसके हैं सन्स सन्स मतलब क्या, मतलब क्या क्या ही बोल रहा है उसके बच्चे सब वहीं पे हैं ठीक है तो इसने हमें अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया हाँ भी। ए भाई भाई कथा चौखा तू तो नहीं ना भूतबा तो पता चले भाई तू मेरे साथ घूम रहा और पीछे से धब्बा कर दिया ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है इसकी ये होगा हम्म If we can get to it, it could be a stake. Okay, देख रहे मेरे बताया वो कहाँ भाग है भाई इतनी तेजी से ओ भाई हेलो वो कुछ बताया भाग गया भाई कथी चौक क्या ही बंदा भाई ये कहाँ गया हेलो मिस्टर अरे कम से कम बता के तो जाता तू तो भाग रहा है भाई अकेले ही भाग रहा है और मेरे को पता भी नहीं चल रहा ऐसे तो नहीं सिंह की तरह अपना पसीना पीता लेकिन इससे अभी हमने बात की तो इसने हमें बताया कि मतलब इस शेल्टर के अंदर आई थिंक ट्रेन व्रेन खड़ी है कोई और जो इस इंजन खड़ा है ट्रेन नहीं है और जो उस इंजन का मालिक था उसको मार दिया पता नहीं किसने आए पता चले बुड्ढे तू नहीं धब्बा कर दिया उसके साथ है

Okay. 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 Uh -huh. okay. तो इस से अभी हमने बात की और ये बुड्ढा बोल रहा है कि की चाहिए तुम्हें, ठीक है और ये मेरे को लगा इसको लात वात मार के नहीं खोल सकते का? गेट को नहीं खोल सकते तो इस बुड्ढे से हमने बात की गई तो इस बुड्ढे ने बोला कि मैंने तुम्हारे मैप पे मार्क कर दिया है यहाँ पे की मिल सकती है ओके सो बेबीज फर्स्ट मिशन तो गए समय जहां पे जाना कब थी चोखा कितना बड़ा भाई ये क्या लोग हैं क्या ओके okay, एनपीसी ये लोग ओके 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 काफी बड़ा मैप है तो मेरे को लगता है इसको टाइम लग जाएगा हमें खेलने में बट स्टिल हम फुल एंजॉय करेंगे ए सी गाई सेल्टर के अंदर वो ट्रेन है जिसके बारे में वो मैं बता रहा था और अभी हमने वहां पे जाना है बेबीज फर्स्ट मिशन करके ओके okay. तो से गाइस हमें की उठा के लाने बुढ़े की बोला ना तुमने ऐसा बता दे बुढ़े कथे उधर हो तो नहीं रहा ना ऐसा कता पता चले था बाबा बगर धब्बा किसी ने और पता चले गाइस यही मेरे पीछे से आके मेरे को मार मार दिया चलो मतलब भाई एक ऐसा थोड़ा समझ रहे हो ना पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है भाई ये अच्छा ठीक है भाई कहीं से भी धब्बा हो सकता है उस चुच्चू चु, चु, चार्लेस का अभी उसको हम गाइस चुच्चू चु चु बुलाएं या चार्लेस बुलाएं तो मैं तो उसको चुच्चू ही बुलाऊंगा अजीब सा लग रहा है ना यार बट कोई बात नहीं तो गाइस ये खुला हुआ है गेट मेरे को लगा था कि ये भी नहीं खुला होगा ओके तो हमें गाइस यहाँ से चाबी वाबी ढूंढनी जो कि हमें आई थिंक मिल गई है मेरे को लगता है ये बुढ़ा भाई इधर ही रख के गया था क्या चाबी भाई ये भी सही है ओके तो ये इससे हम लोग मतलब अभी हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या किस की से क्या करना है तो इधर से हम अपनी इन्वेंट्री वेंट्री ऑन कर सकते हैं ओके ओ भाई ये कैसे कई है चलो गाइस चलते हैं हमने चाबी तो उठा ही ली है और भी हम चलते हैं उस बुढ़े के पास जो भी है उसका नाम वीजीन, वीजीन, वीजीन है आई थिंक हाँ, ऐसा कुछ हाँ, अरे अरे के तू तू ऐसा मतरा भाई क्या तेरे को डर नहीं लगता क्या बुढ़े ओ बुडे एक तो तेरी आंखें पता नहीं किधर जा रही पता नहीं कहाँ देख रहा है अभी वो चाबीस में गेट खोल सकता हूँ तो चलो करते हैं ओपन और देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर अरे ले ये बुड्ढा पहले ही घुस अच्छा तो गाइस ये रही वो ट्रेन जिसके बारे में ये बात कर रहा था ओके तो गाइस लेकिन इसको कैसे पता कि ये ट्रेन इधर खड़ी है और इसको कैसे पता कि चाबी ट्रेन मतलब इस साइड की चाबी वहां पे पड़ी हुई है मेरे को तो भाई इसी में कोई दिक्कत विक्कत लग रही है बुढ्ढे में मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ही कुछ करेगा हमें हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है ये हमारा अच्छा फ्रेंड हो बट स्टिल ऐसे दोस्तों से बच के रहो तो बढ़िया है ओके okay, तो भाई यहाँ पे कुछ और तो नहीं है ना कि हमें और कोई काम वाम वाली चीज तो नहीं मिलने वाली मेरे को लगता तो नहीं है बट फिर भी हाथ पल्ला मार लेते हैं क्योंकि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है बट हमें यहाँ पे कोई चीज नहीं मिली हाँ डे इसके ऊपर ऊपर चढ़ना क्या मेरे को ट्रेन के ओके ओके वेपन एंड सील अगेन पॉइंट इफ थिंग्स गो रॉन्ग ओके तो भाई ये ही हमारा रिस्पॉन्ड पॉइंट है ठीक है अगर कोई चीज की खराबी वराबी होती है मतलब अगर हमें कोई मार वार देता है तो हम ट्रेन पे ही रिस्पॉर्ड होंगे तो ये तो ट्रेन मिल गई अभी बुड्ढे से बात करते हैं क्या करना आ गए अहां, तो गाइस ये बुड्ढा पता नहीं क्या है एक तो इसको इस साइलेंट के बारे में सब कुछ पता है ऊपर से इसको ट्रेन का भी काम करना आता है भाई पहले काम वम करता रहा था क्या ट्रेन के उसमें कारखानने में गाइस हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं इंटीरियर विंटीरियर मेरे को लगता है कि हमारी ये ट्रेन है हमारी जर्नी इसी ट्रेन के साथ ही होने वाली है ओके okay. तो इस बुड्ढे ने बोला कि तू भी जा अपना काम वाम मतलब तू भी घूम घूम कहीं पे इधर उधर ठीक है और मैं तब तक इस ट्रेन को चेक वेक करता हूँ अभी तो हम चलते हैं यहाँ से अभी ये बुड्ढा नहीं बताएगा क्या क्या करना अभी हमने भाई मेरे को भाई मतलब उसने बोला ऐसा बुड्ढे ने कि ऐसा कर तू तो इसके गाड़ी के पीछे जो ये गन लगी हुई है इसको चला के देख तो मैंने कहीं जैसे यहाँ पे चलाना स्टार्ट किया गंस वो बुढ़्ढा भाग गया गायब हो गया यहाँ से है ट्रेन के अंदर अंदर घुस गया क्या भाई उजीन? अरे ले भाई बैठ कैसे खड़ा तू भाई इसको देखने में डर लगता है ऊपर से चमक वमक पता नहीं कैसे रहता है इसे चमकता रहता है भाई चौबीस घंटे ओ भाई चलो गाई करते हैं स्टार्ट तो समझाएगा क्या क्या सीन है हाँ बता तो गाइस अभी मैंने इस बुढ़े से बात की है और इस बुढे ने मेरे को बताया कि ये जो ट्रेन है इसका जो इंटीरियर काफी गंदा हो रखा है ठीक है जो बहुत खराब बात है ठीक है बट हमारे पास यही गन्ना है ओनली इस ट्रेन पर लगी हुई जो कि चाले को मारने के लिए मतलब कि समझ रहे हो इतनी ताकतवर है नहीं तो हमें एक अच्छी गन भी ढूंढनी पड़ेगी ऐसा कुछ ने मेरे को बताया पता नहीं क्यों बट मेरे को इसको देख के डर लगता है ठीक है और ये है आई थिंक पे हम लोग अपनी ट्रेन को अपग्रेड वर्क अपग्रेड कर सकते हैं ठीक है, है? बुढ़्ढे ने बताया कि हमें स्क्रैप चाहिए रहेंगे जिससे हम अपनी ट्रेन को अच्छे ढंग से अपग्रेड कर सके दैट्स इट और गाइस ये है पेंट अगर हम अपनी ट्रेन को पेंट पेंट करना चाहते हैं ठीक है और ये है गाइस हैंडल्स अब मेरे को नहीं पता कि कौन से हैंडल से आगे जाएगी कौन से हैंडल से पीछे जाएगी कौन से हैंडल से रुकेगी बट हम लोग करते हैं ट्राई तो लाल तो गाइस वैसे भी इतना कुछ खास होता नहीं है तो लाल को हम पहले छेड़ेंगे नहीं अथी okay, yeah, भाई। 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 चोखा भाई शोर वोर क्यों कर रहा हेलो हेलो बता है What the heck? ये क्या था भाई मार दिया उसको यूजन को इतनी जल्दी What the heck? पे क्या था ये उसको मार नहीं आया था क्या किला ले बेटे ओ भाई साहब अबे अबे भाई ये क्या कर दिया भाई मेरे को अकेला छोड़ गया यूजिन भी ये बारिश हो रही है ओके तो बारिश हो रही तो ये ट्रेन के अंदर कैसे आ रही भाई बारिश टूटा फुट्टा पड़ी क्या भाई साहब ये क्या सीन था भाई अभी क्या मिशन विशन करने क्या कोई ओके तो ये रही रही हमारी ट्रेन ट्रेन ये रही वहां ट्रेन से हम लोग आए हैं चल भाई मेरे को लगता है ट्रेन में जाना पड़ेगा भाई दूर बहुत है तो गाइस अभी मैं आपको वहीं पे जाके मिलता हूँ और देखते हैं कि उस बंदे क्या काम देते हैं हमें लेट्स सी हमने कर दी है स्टार्ट ट्रेन बट वो की छूत की तैसी साला हमारी को ले गया चूचू मैं उसको चूचू ही बुलाऊंगा चार्लिस नहीं बुलाऊंगा मैं उसको बुलाऊंगा चूचू अरे अरे रुक रुकना अरे, रुक, अरे, रुक, जा। रुक, ना। अरे लूल। भाई ये क्या था मैंने ब्रेक कहाँ पे लगाया और ये कहा जाके रुका इससे मैं बैक लेके जा सकता हूँ क्या अपनी ट्रेन को हाँ ओके तो वहां पे ना डब्बा सा पड़ा है एक अरे माँ के गिर क्या हो रहा है ये ओके तो गाइस मेरे को लगता है कि इस डबे में हमें कुछ मिल सकता है क्या है इसमें फाइनली हमें स्क्रैप्स मिल चुके हैं आई थिंक जिससे हम अपनी ट्रेन को अच्छे ढंग से अपग्रेड कर सकते हैं मे बी लेट्स और हमारे पास तीन स्क्रैप हो चुके हैं और हमें दो स्क्रैप दूसरे लेवल को करने के लिए तीन स्क्रैप चाहिए और गाड़ी को रिपेयर करने के लिए एक स्क्रैप चाहिए और वेपन डैमेज अच्छा तो ये सब कुछ करने के लिए ठीक है तो गए सभी हमें उन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी जो आई थिंक ये लोग ही हैं मेरे को लगता है वैसे मैप में देखा जाए तो ये एनमेट एम पी आ रहा है तो लोग ही हैं है तो गैस चलते हैं हमारे पहले बंदे के पास और रास्ते में हम लोग ये बॉक्सेस भी लूटते जाएंगे ठीक है अगर हमें कोई दिखेगा ठीक है काफी यार मतलब मस्त सा माहौल है यार लेकिन थोड़ा ड्रामनी जगह है यार इधर भाई सुबह हुबह नहीं होती क्या कभी इधर नहीं लगता नहीं है गाइस इधर सुबह होती होगी तो गाइस चलो चलते हैं एक तो हमारी ट्रेन की स्पीड बहुत कम है यार मतलब क्या बोलू मैं भाई इतनी कम स्पीड तो भाई मैं मैं इतनी से तो साइकिल चला लू ना भाई जितनी हमारी ट्रेन चल रही है इससे अच्छा तो तुम साइकिल ही दे सकते थे इधर एक ट्रेन दे दीजिए भाई। छी भाई क्या ही बात है चलो गाइस चलते हैं मैं आपको वहीं पे जाके मिलता हूँ और देखते हैं कि क्या बोलता है वो हमें मेरे को पहले पता नहीं था कि ऐसा ऐसा सीन भी होता है बट स्टिल गाइस एक तो ये ट्रेन भाई कैसी बकवास ट्रेन है ब्रेक मैंने इधर लगाया और वहां पे जाके रुकती है और अगर मैं इधर से एक्सलेटर दबाऊंगा तो भाई इधर जाके स्पीड पकड़ेगी क्या सीन है तो गाइस यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स हैं तो अभी हमने अभी हमने गाइस ध्यान है यहाँ पे और एक ट्रैक उधर को जाता है ठीक है तो गाइस हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं गाइस इस साइड ठीक है, है। ये, ये ये दिख रही है ना ये वाला ये रेड वाला इधर वाली जी जो जग नहीं रहा इधर वाली साइड चलते हैं यहाँ पे मेरे को लीवर नहीं दिख रहा जिसके साथ मैं ट्रैक चेंज कर सकूं आई थिंक मेरे को मिल गया है ये ओके तो गाइस हमने ट्रैक चेंज कर दिया और हमारी ट्रेन बहुत ही दूर अरे भाई चांद है क्या भाई कैसा चांद दिख रहा भाई कौन से प्लेनेट पर रहता है ये चुच्चू चार ले चुचू जो भी है चुचू हाँ चुचू भाई हमने कर दिया है ये ट्रैक चेंज और चलते हैं गाइस हमारे लोकल के पास बोले यहाँ पे बंदे भी रहते हैं क्या मेरे को विश्वास नहीं होता इतनी भूतिया जगह पे भी बंदे रहते हैं गजब गजब भाई गज़ब सीन है तो थोड़ा सी दूर रह गए हम यहाँ भी ब्रेक लगा देते हैं देखना पे जाके रुकेगी मेरी गाड़ी इधर ब्रेक लगाया और देखो कहाँ जाके रुकी पूरा सौ मीटर दूर जाके रुकती भाई मेरी गाड़ी ओ भाई साहब एक गाइस मतलब मेरे को वैसे भी रियल में ट्रेनों की आवाजें सुनाई देती है तो भाई और भी खौफनाक सी लग रही है ये क्या Oh my God, this is my horn. Okay. तो चुचू नहीं आ रहा ना अभी हाँ अभी चुचू नहीं आ रहा बेचारा अच्छा ये खड़ी है कैसे ले खड़ी लेके है ये डरबर नहीं लगता क्या मैडम तुझे ओह भाई मार दे क्या इसे चूचू को तो मेरे को नहीं लगा चलो इससे बात करते हैं क्या कहते हैं ये हाँ जी सर मैम बताइए ओके तो ये लोकल है यहाँ के जो की इधर रहते हैं और काफी हेल्पफुल है और जो वो यूजिन है ना वो यूजिन को सभी लोग जानते हैं इधर के तो इसने मेरे को बोला कि तुम वही हो क्या जो व्यूजिन बोल रहा था कि एक बंदा आ रहा है तगड़ा सा जो कि चू को मार देगा तो हमने कहा हाँ हम वही हैं ठीक है तो फिर इसने हमारी हेल्प करने को ले बोल दिया कि हाँ ठीक अगर आप वही हो तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ आपको वो भी मैंने चा दे दी है आप मेरे घर पर जाओ वो जो भी तुम्हारे लिए यूजफुल चीजें हैं वो उठा लो ये नहीं खुल रहा क्या मेरे पास चा है तो यार ओ भाई साहब ने मेरे को बालकनी की चा भी दी थी ना अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके नाइस ओके गाइस ठीक है ठीक है ठीक है इस चाबी दी थी इस बालकनी की ओके okay. ओके okay, काफी कुछ मतलब काफी कुछ क्या स्क्रैप स्क्रैप पूरा तगड़ा वाला पड़ा गाइस इधर अरे मस्त भाई मस्त मस्त एकदम भाई ये क्या मै वैप है क्या ओ भाई साहब काफी गजब भाई कथ ओके okay, तो गाइस हमने यहाँ से तो स्क्रैप हो रही हो मुझे चोट भी लगती क्या गिरने से अरे मैडम मेरी जो काम की चीजें थी मैंने उठा ली हैं आई मैं चलता हूँ अपनी ट्रेन को लेके इधर से थैंक्स लॉट नाम क्या है तुम्हारा मिस का नाम भूल कर छोड़ इसको लेकिन काफी चुचू चूचू क्या भाई मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो बार बार आके डराएगा वो तो साला सलाजिन को मार के क्या उसका पेट वेट भर गया क्या साला आया ही नहीं चलो गाइस करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम नेक्स्ट कहाँ पे जाएं तो ये ऑप्शनल अच्छा तो गाइस अभी हम इनको समझते हैं जो कि ये है जो ऑप्शनल मिशन है ये रिक्वायर्ड मिशन है ये वेपन मिशन है और ऑप्शनल वेपन मिशन ऐसे कुछ है गाइस हमें सारा मैप घूमना पड़ेगा क्या इसका मेरे को लगता है गाइस हमें मैप ही ढूंढना पड़ेगा पूरा का पूरा घूमना पड़ेगा मतलब ढूंढना पड़ेगा क्या ही बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसी जर्नी कैसे कम्प्लीट करें तो ऐसे करते हैं गाइस हम अपनी ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगाएंगे और इसका भी काम करके आएंगे इसका भी काम करके आएंगे इसका भी और इसका भी काम करके आएंगे वैसे अगर चाहूँ तो मैं इसका भी काम करके आ सकता हूँ है ना तो हम पहले इस बंदे का काम करने चलते हैं ठीक है चलो गाइस तो मेरे को लगता है कि ओके तो ट्रेन हमें यहीं छोड़नी पड़ेगी यहाँ से मेरे... है। इसके भागने के बाद ये मेरे मेरे को मेरे को लगा चुच्चू आ गया ओके तो चलते हैं गाइस हम वहां पे काफी ड्रम ना सा भाई इधर ऐसे मौसम रहता भाई चौबीस घंटे मतलब कुछ भी भाई गजब भाई गजब तो गाई मैं आपको वहीं पे पहुंच के मिलता हूँ फटाफट से चलते हैं पता चले हमारे पीछे जो चुच्चू आके धब्बा कर गया भाई ऐ चुचू पीछे नहीं आने का ओके तो देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है कौन है भैया बैठा हुआ है आराम से अरे तो कोई नहीं लगता चुचू से भाई क्या दोस्त वोस्त है का चुचु इनका भाई? क्या ही बोलू भाई कोई खौफी नहीं है यार इसमें मोटे से में तो देखते हैं गाइस करते हैं इससे बातचीत ओके तो गाइस दिन बेचारा एक काम तो मरता मरता एक काम तो बहुत अच्छा कर गया और वो काम क्या अच्छा करके गया है कि हमारी इज्जत बना गया इस आइलैंड पे आइलैंड पे पता नहीं आइलैंड ही है ये हाँ खुलता नहीं है क्या खुलेगा ये मेरे को लगता है, मेरा है। नहीं खुलता ये। खुलता नहीं क्या? बोला कि तुम वही हो क्या जो कि मतलब समझ रहे हो ना कि यू जी ने बोला था कि एक अचीवर आ रहा है जो कि काफी अच्छा बंदा है मतलब तुम वही हो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ जी ने मेरे को बुलाया तो भाई इस बंदे ने बोला कि ठीक है आई एम विलिंग टू हेल्प यू ठीक है तो उसने हमें एक चाबी वाबी वापिस दे दी और उसने बोला कि यहाँ से सौ मीटर दूर है कुछ एक, एक सल्ट्रो वेल्ट्रो जैसी कोई चीज है तुम वहां पे जाके अपना काम की चीज उठा सकते हो जैसे स्क्रैप क्रैप चाहिए तुम्हें तो और इसने हमें और भी शिक्षा दी जो कि हमें चाहिए नहीं थी बोला कि तुम्हें मेजर अपग्रेड चाहिए अपनी गाड़ी में चुच्चू को मारने के लिए मेरे को पता मेरे को पता है तू क्या बता रहा है मेरे को साले तो गाइस हम यहाँ पे आ चुका है चुच्चू भाई एक बार ही आया है भाई अभी तक जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा चलो देखते हैं गाइस करते हैं स्टार्ट ये गाइस हमने कर दिया ओपन बताया ऐसे दरवाजे पुराने भाई ऐसे दरवाजे पुराने उसमें भी थे क्या मतलब क्या कहते हैं पुराने जमाने में भी, भी ऐसे दरवाजे बनते थे क्या मेरे को तो अभी पता चला तीन स्क्रैप हो चुके हैं हमने यहाँ पे नौ स्क्रैप्स पड़े हुए हैं आई थिंक तो गाइस हम नौ स्क्रैप्स ढूंढ पाते हैं गाइस स्क्रैप्स तो यार जितने ना उतना हमें मजा आएगा उतना जल्दी गाइस हम चुच्चू को वो मार देंगे Okay, yeah, <laughs> okay, चढ़ाई कर गया मतलब चढ़ाई कर गया का मतलब की हमारी इज्जत बढ़ा गया इस सिटी में सॉरी आईलैंड में ठीक है और वो जो नोट था वो भी पता नहीं किसने छोड़ा हुआ था यू जी नहीं छोड़ा हुआ था मे भी साहिदू जी नहीं छोड़ा हुआ था और उसने बोला था कि जो मैं मतलब कि बुला रहा हूँ बंदे को वो जरूर हेल्प करेगा इस विलेज की वो को मारने के लिए ऐसा हमें यहां पे भाई यहाँ पे क्या खून वून लग रखा गया अच्छा जर लग रखी इसको जंग क्या ही भाई मेरे को लगा खून है भाई मैं खून का इतना पैसा क्यों मेरे को यही नहीं पता चलो ढूंढते हैं एक स्क्रैप जो कि हमें अभी नहीं मिल रहा और भी इधर चुचू भी आ सकता है तो गाइस वहां पे उस शेल्टर में मैंने अपना घंटा बर्बाद कर दिया मेरे को वो एक स्क्रैप नहीं मिला आई डोंट नो पे पे फेंका उसने कहां पे नहीं बट गाइस अभी से भागते डों कहा चुचू कभी भी आ सकता है इधर और मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये कौन किसका घर आ गया अब ये तो घर बहुत है भाई इधर मतलब क्या बोलू मैं ये उसी मुस्ता हाँ क्या देख रहा है मेरी तरफ शर्म आती तेरे को क्या भाई गजब बात है गजब तो गाइस मैं घंटा पहले यहाँ पे बर्बाद करके गया था लेकिन मैं वापस यहाँ पे दोबारा आ चुका हूँ क्योंकि मेरे को फील हुआ कि एक एक स्क्रैप भी जो है मैटर करता है इस गेम में हमारे लिए तो मैं वो स्क्रैप ढूंढ के ही जाऊंगा अब यहाँ से मेरे को नहीं पता कैसे बस फाइनली हमें वो स्क्रैप मिल चुका है जिसके हम वेट कर रहे थे बट मेरे को चुचू की आवाज सुनाई दे रही है चुचू चला जाए चचू चचू माता इधर ओके तो गाइस हमने फाइनली स्क्रैप तो ढूंढ लिया पर चुचू इधर ही आ रहा है मेरे को लगता है गाइस चुचू हमारा काम कर देगा पर दफा चुचू मेरे को डर लग रहा बहुत ही गंदा वाला ओ भाई ओके मैं क्लार चला गया गाइस वो चुचू हालांकि उसकी ट्रेन की आवाज मेरे को अभी सुनाई दे रही थी लाया सीन है यार जब हम अपनी ट्रेन में होंगे ना

ओ भाई ओ भाई सब मतलब क्या बोलूं भाग 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 भाग, भाग, भाग ट्रेन के पास जा गाइस अगर हम ट्रेन में चले गए तो कोई चिंता नहीं है कि हम चुचू का सामना कर सकते हैं अपनी ट्रेन के साथ बस चिल समटाइम्स चुचू आता है ट्रेन पे और हम होते हैं पैदल के गाइस फाइनली हम अपनी ट्रेन में आ चुके हैं ओके तो गाइस हम लोग यहां पे इसको करते हैं थोड़ा सा अपग्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन अपनी ट्रेन को काफी ट्रेन में, में आके अरे वो कौन खड़ा वो वही है वो डी सी ठीक है और तो गाई सबने यहाँ पे काफी लोगों ने हमारी हेल्प की यहाँ पे दो से तीन लोगो ने ठीक है और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं किन सा हमें एन पी सी मिलता है जो की सिटी में रह रहा होगा और वो हमारी क्या हेल्प कर पाता है हालांकि चार्ली की मेरे को आवाज सुनाई दे रही थी उसके ट्रेन की बट वो आया नहीं इधर काफी सही सीन था तो गाइस अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के पास गाइस सो गाइस वी आर गोइंग टू अनदर मिशन तो गाइस काफी मतलब मस्त है यार गेम हमें मिशन करने को मिलते हैं और चुचू कभी भी कहीं से भी आ टपकता है और जब भी वो आता है हमें एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है जो कि चू ऐसा कुछ पता नहीं कैसे लग गई गंदी सी आवाज है भाई हमारे की आवाज देख लो लो और उसकी आवाज तो भाई क्या ही बोलो सौ मीटर दूर तो हमें पहले ब्रेक लगाना पड़ता है गाड़ी का ये देखो भाई बोला ना भाई पचास मीटर दूर तो भाई साठ सत्तर मीटर दूर जाके रुकना है इसने गाड़ी ने कौन आ गया चू आ गया मेरे को लगता है शायद तो आ रहा है भाई तो मांगी गिर गिरी आ रहा है

बच क्या उससे मार गिर, -गिर पीछे आ रहा है हमारे वो कब पीछा छोड़ेगा अबे भाई मेरी ट्रेन गई भाई मेरी ट्रेन गई कसम से मेरी ट्रेन गई भाई और <laughs> भाई 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 <laughs> अबे अजीब सा सीन हो गया भाई ओके वैसे मेरे को <laughs> 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 ओके okay. तो हमें चुचू ने मार दिया और मेरे को अभी पता चला कि मेरे को स्क्रैप वेस्ट नहीं करने चाहिए इन लेवल अपग्रेड करने में ठीक है क्योंकि हमारी ट्रेन को इस चीज की जरूरत होती है तो हम स्क्रैप्स को अपग्रेड नहीं कर मतलब अपग्रेड का है? मतलब हम अपने पास स्क्रैप्स रखेंगे संभाल के ठीक है ताकि जब भी वो चुचू हमारे पीछे आ जाए हम उसको आराम से मार वार सके ठीक है अभी तो मेरे को लाइक लगता है कि गन भी हमें अच्छी बनानी पड़ेगी ताकि वो चुच्चू जब भी आता है हमारा पीछा करता है तो हम आराम से उसका सामना कर सके और भी बहुत कुछ तो देखते हैं गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊं कि मेरे को एक वेपन लेने के लिए वापस जाना चाहिए उस बंदे के पास ठीक है उस बंदे के पास गाइस आई थिंक वेपन वेपन मिल जाएगी हमें बट भगवान करे वो चुना आ जाए इधर चुचू नहीं आ रहा ना तो चुचू नहीं आ रहा ना ओ भाई डर लग रहा भाई मतलब उसकी शक्ली इतनी भयंकर है भाई क्या बोलू ओके तो गाई चुप चु नहीं आ रहा है ओके तो हम आ चुके हैं यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है आई थिंक मेरे को लगता है कुछ अच्छा और तगड़ा वाला मिलने वाला ओए आग वाग लगा रखी भाई क्या फ्लेम थ्रोर है तेरे पास मेरे को लगता है इसके फ्लेम वगैरह होगा क्योंकि इसने पूरा जला बुला दिया चल बात करते हैं यार इससे ओके कि मैंने फ्लेम थ्रोअर बनाया था अपने होम को बचाने के लिए लेकिन उसने बैक फायर कर दिया और मेरा घर जल गया भाई ऐसा तू फ्लेम थ्रो देगा हमें हमारी गाड़ी जला देगा तो पूरी ओके

ओके okay, तो गाइस मेरे को लगता है कि ये क्या चीज है स्क्रैप वक्रैप पड़ा है क्या हाँ यहाँ पे स्क्रैप पड़ा है और आई थिंक मेरे को लगता है ये क्या है पानी की टंकी है क्या तो भाई बुढ़्ढे तू उधर खड़ के क्या बात बकचोदी कर रहा है तू इधर आके अपनी ये ऐसे नहीं कर सकता क्या ऐसे इसको छोड़ दे तेरा भाई घर में आग बुझ जाएगी क्या बंदे हैं भाई कोई सेंस ही नहीं बनता इस बंदे का भाई क्या ये भाई है? अकेला बस ये और मांगी गिर गिरी चोट तो लगी हाँ बुझा दी तेरी आग और तेरी बुझाऊ मैं ये क्या अभी भी ये कैसे देखना बकवास मुंह करके खड़ा है -n -n. नहीं इसे दिमाग लड़ाना कहते हैं थोड़ा सा जो कि तुम्हारे पास है नहीं मेरे को लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं है तुम्हारा कहते हैं ना कई लोगों के दिमाग गिट्टों में होता है ये पेंट वेंट मिल गया हमें और ये स्क्रैप मिल गया तो गाइस हमें मतलब इतना अंधेरा की भर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कुछ ऊपर से अगर मैं सन अपनी जो है ग्लासेस वगैरह लगा लूँ तो और भी कुछ नहीं दिखाई देता बट भाई सच में थोड़ा तबाहीदार गेम तो है यार इसलिए सभी स्ट्रीमर्स इसको खेल रहे हैं चलो चलते हैं थैंक यू जी बुड्ढे बट ये तू अपने ना ये लाख पे हथ रखना कुछ और ही समझते हैं ऐसे तो खड़ा हुआ इधर चलो चलते हैं ओके तो गाइस मेरे को लगता है कि बे जब मैं चलता हूं, तो मेरे को डबल आवाज क्यों आती है इससे मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है यार क्या बोलो मैं भाई हमें फ्लेम थ्रोअर मिल चुका है तो गाई अभी हम चलते हैं हमारी गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं फ्लेम थ्रोअर ताकि जो वो चुचू है हालांकि मैं उसको चुचू ही कहता हूँ जो वो चुचू है वो हमारा समझ रहे हो थोड़ा वो कर सके समझो मतलब कि okay, ओके तो ऐसे ऐसे करके मैं इक्विपमेंट्स लगा सकता हूँ को ये क्या है ओके okay, तो ये फ्लेम थ्रो बट ये हीट तो करेगा ये तो मैं गारंटी लेता हूँ ओके okay, तो गाय वेपन मिल चुकी है नई वाली और हमारे पास स्क्रैप्स कितने हो चुके हैं दो स्क्रैप्स हैं तो हम अपनी पहले तो ट्रेन को हंड्रेड रिपेयर कर लेते हैं जो कि चूचू ने पूरी तबाही से मचा दी थी ठीक है और अभी हम चलते हैं गाइस आगे की जर्नी के लिए अपनी और देखते हैं हमें रास्ते में कौन कौन से बकलोल बकचोद बंदे मिलते हैं ठीक है और हमें वो क्या क्या करने को कहते हैं और हमें क्या क्या, क्या रिवॉर्ड मिलता है ओके तो गाइस अभी मेरे को थोड़ा याद आया कि इधर भी एक बंदा है जिसको जरूरत है मतलब हेल्प चाहिए अब वो बंदा है कि बुरी है कुछ पता नहीं बट हाँ जो भी है ये कौन है बंदा ही है भाई ये मेरे को लेकिन डर लग रहा है भाई इसकी शक्ल देख के कैसी शक्ल बना रखी इसने और ये भाई जगमगाते क्यों है ये सभी भाई यूजन भी ऐसी जगमगा रहा था युजिन के साथ ही बात ही लगते भाई चलो करते है बात इससे तो गाइस इसने जो है हमें कुछ बताया कि हम लोग काफ़ी टाइम से जो है चार्ली को मारने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल अभी हमें पता चला है कि जो हम हैं अभी हमें ये पता नहीं क्या हंटर वंटर बुलाते हैं कि जो हंटर आ चुका है चार्ली को मारने के लिए तो ये लोग हमारी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं अभी हमने मतलब इसने हमें एक सीक्रेट सा बताया कि तुम्हें तीन एग्स चाहिए रहते हैं अंडे चाहिए रहेंगे ठीक है ताकि तुम उन अंडों का उपयोग करके चार्ली को एक मंदिर में पता नहीं टेंपल है उसमें स्पॉन कर सको और उसको मार सको वहीं पे मतलब जब वो स्पॉन होगा वहां पे अपनी फुल पावर के साथ होगा ठीक है और वो मॉटल होगा समझ रहे हो मतलब कि वो मर सकता है मॉडल नहीं होगा लेकिन अभी तो इमोटल है बट उस टाइम वो मॉडल ही होगा ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ गाइस समय बताया उसने तो काफी सही चीज बता दी लेकिन गाइस चलो अंडे वंडे भी ढूंढेंगे लेकिन अभी हम देखते हैं कि और भी यहाँ पे क्योंकि मैं क्या मतलब समझ रहे हो ना मेरा मोटिव है जो अकेला चार्ली को मारना ही नहीं है जहाँ के जो बंदे हैं उनकी हेल्प करना है जो इस आइलैंड में सर्वाइव कर रहे हैं तो गाइस हम कलर रेड कर सकते हैं क्या वो बदला है जैसी ट्रेंड बन गई भाई हमारी रेड कलर करके चलो कोई नहीं गाइस और चलते हैं गाइस और देखते हैं क्या सीन होता है गाइस मेरे को अभी पता चला कि पीछे की साइड जब मैं रास्ते में आ रहा था, था तो वहाँ पे मैंने कुछ देखा था आई थिंक कुछ शेल्टर टाइप पता नहीं कोई चीज थी लेकिन आई थिंक हो सकता है कि वहां पे भी बंदा हो तो देखते हैं गाइस चलते हैं वहां पे अगर हमें कोई मिल जाए अच्छा सा कोई हमारी हेल्प करने वाला बंदा ठीक है भाई कथे ट्रेन ही हो रखी भाई मतलब क्या भाई चुच्चू भी क्या करे बेचारा नहीं यार ये कुछ और नहीं बना सकते क्या चुच्चू को ट्रेन ही क्यों बनाई उसने ड्राम नहीं भाई क्यों है तो क्योंकि ड्राम नहीं इस जगह ये देख लो गाइस कथे ट्रेन ने ट्रेन ने हो रखी ये देखो इंजन की क्या धज्जियां उड़ा रखी ये क्या है अच्छा मैं ये चेस्ट वेस्ट खोल भी सकता हूँ क्या ट्रेन मेरे को चाबियां कहाँ से मिलेंगी भाई इसकी मतलब क्या मतलब तोड़ तोड़बोड़ तो मैं सकता नहीं हूँ ओके चलते हैं गाइस उधर ही ये क्या अच्छा फायरिंग कर रहा है कोई ऐसे तरड तर तो फायरिंग नहीं कर रहा था कोई ओके तो ये बैठा मोटा बेर गेट बंद कर दे यार बंद नहीं होते क्या इधर के गेट ये भी सही है भाई हाँ भी मोटे चलो गाइस से करते हैं बातचीत देखते हैं क्या हेल्प करता है ये हमारी ओके तो इसने हमें गाइस की दे दी है जिसके साथ मैं जो अभी ये चेस्ट देख के आया था आई थिंक ये खोल सकता हूँ आई थिंक सो ओके okay. भाई क्या लॉक है कैसा लॉक है इसका ओ औवरदायक वायक नो पेशेंस भाई कितना हार्ड है ये ओ ओवरदायक ओके काम डाउन वन दिस इज गोना बी टू थ्री हार्डदायक ओके वन टू Three, four, five, oh, guys, हमने कर दिया है okay, तो यही पेपर थे क्या उसको देने थे जो भाई बहुत इजी मेरे को लगता है मेरे को कहीं इधर उधर से ढूंढ के लाने पड़ेंगे बट ठीक है यार जो इसको पेपर चाहिए वो हम इसको दे देते हैं okay, ओए तो हमें गाइस मिल चुका है स्क्रैप्स दे दिए इसने ठीक है जो कि काफी अच्छी बात है गाइस और हम आसपास से और भी स्क्रैप स्क्रैप्रैप ढूंढ लेते हैं ठीक है मोटे थैंक यू हालांकि मोटे ने हमें एक ही ऐसा दिया था गंदा सा भाई भाई क्या क्या ही बोलूं मैं मैं मिशन के बारे में अबे ये क्या? को कसम से डर लगता भाई। जब मैं चलता हूं ना तो ऐसे घास की ऐसे आवाज आती जैसे मेरे पीछे भी कोई चल रहा है तो इधर गाइस हम घूम फिर लेते हैं तो मैंने घूम फिर लिया यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा नहीं बट फिर भी गाइस हम कोई स्क्रैप मेटल मिस नहीं करेंगे सो मैं चाहता हूँ कि इधर उधर स्क्रैप वक्रैप जहाँ पे बिखरे बिखरे से पड़े हैं वो हमें मिल जाए यहाँ पे कोई पड़ा है क्या स्क्रैप नहीं ओके तो गाई फाइनली आग जल सकता हूँ मरे नहीं सॉरी भाई मैं चढ़ूंगा ही नहीं आग पे मैं क्या ही करतूत करने की कोशिश कर भाई यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है और मैं आग पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो गाई चलो हमें आई थिंक से इतना कुछ खास नहीं मिला बट स्टिल उसने हमें दे दिए है स्क्रैप मेडल्स और आई डोंट थिंक डॉन्ट्स कितने दिए हैं तो गाई चलो चलते हैं ट्रेन पे जाके ही देखते हैं कि हमें कितने स्क्रैप्स दे दिए हैं उसने इधर से नहीं चढ़ सकता क्या मैं पता चले भाई चार्ली आ गया और भाई मैं डर का मारा इधर से चढ़ रहा हूँ ऐसे ट्रेन और में से ट्रेन चढ़ी नहीं जा रही ये भी सही है अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ओके पानी गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी ट्रेन के ऊपर गाइस स्क्रैप्स दे दिए हैं इसने हमें जो कि काफी अच्छी बात है तो मैं सोच रहा हूँ गाइस हम अपग्रेड कर दें इसको ठीक है हमारी ट्रेन को ताकि जब भी वो चार्ली आए ठीक है तो वो हमें दिक्कत ना कर पाए और सात स्क्रैप्स गाइस हम रखेंगे अपनी ट्रेन की एमरजेंसी के लिए क्योंकि जब भी वो आता है साला तो भाई वो हमारी ट्रेन को डैमेज करता है और जब हमारी ट्रेन खत्म तो हम भी खत्म सो so, हमने साथ स्क्रैप्स एमरजेंसी के लिए रख लिए ठीक है यार मतलब काफी जहाँ के लोग पता नहीं जी कैसे रहे हैं इधर इस आई पे बट से लिए हमारी, हमारी हेल्प कर रहे हैं और यू जी ने हमारी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बना रखी है इधर मैं जिनका काफी ज्यादा स्वा, मतलब स्वागत क्या ही बोल रहा हूँ मतलब उसको मैं क्या कहूँ अब मैं उसको कुछ नहीं कह सकता बेचारे को रेस्ट इन पीस कह सकता हूँ ओके सो गाइस ये भी घर है मैं खोल सकता हूँ क्या अच्छा ये तो वही घर आ गया भाई ये बुड्ढे उसी का जो बंदे के पास में आ चुका था पहले और ऐसा गाइस अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या सीन होता है चुच्चू लेकिन चुचू अभी तक नहीं आया यार मतलब क्या बोलू भाई जब भी आता है डरा देता है बट वो आता बहुत कम है चलो कोई बात नहीं चिंता वाली कोई बात नहीं है लेट्स गो एंड फाइंड क्या कुछ और एक्सप्लोर करने वाला पड़ा में तो गाइस अभी मैंने एक और चीज को नोटिस किया कि यहाँ पे हम खड़े हैं ठीक है उसी बुड्ढे से मैंने बात की थी उसी बुढ़े से मैंने दोबारा उसने मेरे को मतलब जैसे मैं इस गाड़ी में आया तो उसने मेरे को दोबारा से आवाज मारी गंजे ने और बोला कि इधर एक और बंदा है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है लेकिन तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी मैंने कहा ठीक है तो वो बंदा वहां पे है इस पर ऐसा है, सीन है कि चार्ली चार्ली है जो जो चुचू नहीं कहूंगा मैं मैं उसको चार्लिस जो उसको चार्लिस भी चुचू ही बोलूंगा चुचू ना आ जाए यहाँ पे पता चले चुचू ने आके हमारा चू चू कर दिया और इधर नहीं मिलते क्या स्क्रैप स्क्रैप्रैप जंगल वंगल में पड़े भाई कोई फेंक वेंग जाया करो ना यार हम लोग आ चुके हैं फाइनली यहाँ पर भी और यहाँ पे क्या है ये भाई चुड़ैल चुड़ैल तो भी रहती क्या इधर भाई सच में चुड़ैल ही है भाई देखना तो ऐसे जगमगाते क्यों हो भाई क्या बात है भाई क्या हुआ क्या बना रही पता नहीं भाई क्या सब बना रही चलो ऐसे करते हैं इससे बातचीत मेरे को पता नहीं था साले ने बताया नहीं कि ये चुड़ैल है यहाँ पे मतलब क्या बोलू उसने मेरे को बोला कि और कोई यहाँ पे है लोकल जो कि हेल्प जाता है चलो कोई बात नहीं क्या भाई इधर के लोग सच में भाई थोड़े पगल चंदती है क्या पगल क्या ही बोल रहा हूँ मैं यार मतलब ऐसे बंदे यार क्या बोलूँ मैं इनको कोई किसी को मीट चाहिए किसी को पेपर चाहिए किसी को क्या चाहिए भाई कोई अच्छे ढंग की चीज मांग रहा ना जिससे तुम सर्वाइव कर सको ये भी भाई गजे भी है यार आंटी चलो आइस देखते हैं क्या सीन होता है ओके तो गाइस उसने हमें बताया कि इधर आसपास मीट पड़ा है उसको मीट चाहिए उसने मीट बनाना है उसने काफी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है बट फिर भी यार किसी को चिंता ही नहीं है भाई किसी की किसी को मीट चाहिए किसी को पिकल पाई क्या कुछ चाहिए भाई बंदों को क्या ही बोलू मैं अब चलो कोई नहीं गाइस गायस आता मैं नीचे क्यों आ गया कसम से भाई फट के हाथ में आ गई थी भाई पर क्या भाई ये अचानक से क्या चीज थी ये मेरे को पता भी नहीं चला क्या चीज थी भाई कथी ना मेरे हाथ पैर कम कम पा रहे हैं भाई मतलब क्या चीज क्या थी भाई वो मगर मगर वो अच्छा था क्या कोई चलो यार जो भी हो बाटा हमें पानी में उसमें थोड़ा ध्यान से जाना है पड़ेगा यार आगे से भाई मेरे को नहीं पता था कसम से सच बोल रहा हूँ ओ भाई साहब तो भाई ये है आज के एपिसोड को हम यहीं पे एंड करेंगे ठीक है इस मिशन के बाद ओ भाई साहब क्या ही गजब भाई चीजें हैं इधर ये मार के ना इसका मुंह मासा तोड़ दू मैं मेरे को ऐसा फील हो रहा है भाई और मेरे को भाई और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे को जाना भी इधर से ही पड़ेगा और इधर कुछ पड़ा इधर एक स्क्रैप पड़ा है ओके ओके चलो भाई चलते हैं और ऐसा नहीं मतलब इधर से ही गिराना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है क्या और कोई भाई रास्ता नहीं है और कोई बट लेट मी फाइन डेट थिंग जिसने मेरे को काटा था उसके ऊपर वापस ना गिर जाऊं मैं अरे भाई कसम से डर लग रहा है भाई अब तो पानी में जाने का चलो लेके भगवान का नाम पूछ जाते हैं आ ओके वो रही वो चीज ओके तो वो मेरे को उससे बच के रहना है और क्या कर रही वो अच्छा मतलब जब मैं रुक रहा तो वो मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा और जब मैं भाग रहा हूँ तो वो मेरे पास आ रही है वर्दा स्टॉप वफा भाई मेरे को ऐसे देख देख के जाना पड़ेगा कैसे डर लग रहा है भाई इसको मतलब इससे मेरे को डर लग रहा है ओ भाई कसम से भाई क्या ही है ये, ये इसी ने मारा था ये मगर मगर क्या भाई ये भी चुचु का ही कुछ है क्या मतलब क्या बोलू मैं मेरे चुपचू के अलावा भी यहाँ पे काफी चीजें हैं जो कि खतरनाक हैं ओके ओके तो ये मेरे सामने ही क्यों आ रहा है भाई अंदर अरे वो मेरे पास आ गया बिल्कुल आ, कसम से भाई बच गया मेरे को लगा भाई मेरे को फिर से वही काट पीट देगा ये ओ भाई कसम से मेरे आसपास घूम रहा है भाई, दूर हो जा, थोड़ा सा मेरे को जाने तो इधर से क्या लोल भाई बताया भाई।, तो भाई क्या चीज है ये भाई साहब कहा जाना मेरे को मैं भूल ही गया अच्छा मेरे को सीधा जाना है बीस मीटर जाना है और वो कहाँ पे है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा उसकी मेरे को सिर्फ बहुत दूर है भाई तब तक तो मैं निकल विकल जाऊंगा भाई ओ, भाई ओह फाइनली गाइस क्या था मगर मगर बच था और ले ये ये मीट मीट पड़ा है क्या ओके तो ये था मीट, अच्छा ये उठा इधर मार के कौन गया इसे चुचू मार के गया क्या पता नहीं चलो जो भी है अभी कोई और रास्ता नहीं है जाने का भाई फिर से मेरे को इसी से मतलब भाई क्या बोलू चलो उधर से तो मैं कूद गया था मेरे को सीन ऐसा है कि इधर को पूरा घूम के जाना पड़ेगा यार वहां पे उसको मीट देने के लिए हो भाई चलो गाई चलते हैं फिर बस स्प्लैश वो रहा भाई मेरे सामने ही घूम रहा है वो मैं मेरे से क्या तेरा प्यार व्यार हो गया क्या मेरे से ये भी सही है भाई बहुत ड्रामनी चीज है ये जो भी है कसम से भाई भाई ऐसी चीज़ भाई दूर हो जाए ना थोड़ा सा ताकि मैं थोड़ा आगे तो जा सकू हा भाई जब मैं स्प्लैश करता हूँ ना तो ही वो स्प्लैश करके आता है ये भी सही है भाई गजब भाई गजब सीन भाई गज़ा तो, वो आ, है, क्या ये है क्या चीज भाई मेरे को पता ही नहीं चल रहा मगर मगर वो अच्छा क्या कोई का कुछ तो है यार मैं अभी अंदर जाके तो देख नहीं सकता भाई क्योंकि वैसे मेरी ऐसी तैसी हो रखी है और अगर अंदर जाके इसकी शक्ल वकल देख ली तो भाई क्या ही बोल सकता हूँ भाई मैं आस पास ही घूम रहा है कब से भाई दूरदार चला जा कहीं पर तेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है क्या उसके पास चला जा अगर तू सी जो भी यार तू लड़की है तो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा तू लड़का गर्लफ्रेंड नहीं है क्या कोई मेरे पास ही घूम रहा भाई भाई चला जा कर उसमें से बोल रहा हूँ भाग जा हाँ शाबाश भाग जा भाग जा तो गाई से भाग गया अरे फिर से है ओके तो गाइस तो वो फिर से मेरे पास आ रहा है क्या बंदा है यार ये तो बद क्या बोलू मैं अब इसको चुचू से ज्यादा तो ये डरा रहा है मेरे को भाग 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 भाई साहब गजब

अबे चुचु माता कसम से चुचु मेरे को ट्रेन में घुस जाने दे एक बार फिर आ जाइयो तब तक मत आना भाई ओ भाई कसम से भाई प्लीज चुचु चुचु माता ओके तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी ट्रेन के पास ओके फाइन गाइस हमने काफी लोगों की समस्याएं सॉर्ट कर दिए गाइस और मेरे पास कितना अरे 38 सब्सक्राइब दिए भाई क्या बात है यार ये One, two, three, ये गाइस मैंने मतलब सभी मैं यार एक साथ ही अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि समझ लो थोड़ा बैलेंस रहे ट्रेन में तो गाइस चलो काफी मजा आया आज गाइस आज के एपिसोड में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू और कमेंट करके आप भी जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हाँ, क्या बोलूं मैं मेरे को भी मजा आया डर भी लगा थोड़ा इंजॉयमेंट भी हुआ बट ठीक है यार नाइस ठीक है मेरे को काफी अच्छी गेम लगी ऐसी और देखेंगे कि हम कितने टाइम इसका सीरीज को कंप्लीट कर पाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू